महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने जलगांव के भाजपा सांसद उन्मेष पाटिल और उनके समर्थकों द्वारा 4 साल पहले सैनिक पर कथित रूप से हमले के मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। 16 में माजी आमदार और भारतीय जनता पार्टी के अभी के खासदार श्री उन्मेष पाटिल और उनके साथीदारों ने जानलेवा हमला किया था। इस जानलेवा हमले के बाद में सोनू महाजन ने अपनी तकरार पुलिस में देने की कोशिश किया, FIR दाखिल करने की कोशिश किया, लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पे थी करके उनकी तकरार या FIR दाखिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 2019 में सोनू महाजन जो माजी सैनिक थे उनकी तकरार दाखिल करने के आदेश दिए। माजी विधायक और अभी के खासदार भारतीय जनता पार्टी के उन्मेष पाटिल, इनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए काफी निवेदन मुझे प्राप्त हुए और उसके बारे में चौकसी के आदेश मैंने दिए। देशमुख ने जांच के आदेश ऐसे समय में दिए हैं जब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना पूर्व नौसेना कर्मी मदन शर्मा पर हमले को लेकर आलोचना का सामना कर रही है। पिछले हफ्ते मुंबई में शर्मा पर हमला करने के आरोप में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को मंगलवार को फिर से गिरफ्तार किया गया था। शर्मा ने मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने वाला कार्टून कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया था। ब्यूरो न्यूज इंडिया अब तक। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।